हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हीरोब्रायन एसएमपी का सीड, जिसे आप अपने माइनक्राफ्ट में ऐड करके खेल सकते हैं उसी हीरोब्रायन वाली जगह पर। जैसा कि आप पीछे विलेज देख सकते हैं, ये वही विलेज है जिसे रॉनी भैया ने लूटा था। तो हाँ, अगर आप भी लूटना चाहते हैं इस विलेज को या फिर खेलना चाहते हैं हीरोब्रायन एसएमपी वाले मैप में, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए हीरोब्रायन एसएमपी का सीड, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बतलाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ सीट बदलाने वाले ही नहीं है, बल्कि हम इसे ऐड करके भी दिखलाने वाले हैं। और साथ ही हम यह भी बदलाने वाले कि आप किस तरह इसमें टेलीपोर्ट हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जिन लोगों को ये नहीं आता, उसे यह भी पता चल जाएगा कि माइनक्राफ्ट में कैसे टेलीपोर्ट हुआ जाता है। तो चलिए बिना टाइम पास किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप माइनक्राफ्ट को ओपन कर लीजिए और एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर लीजिए। आप वर्ल्ड का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं रख लूँगा हीरोब्रायन एसएमपी सीड। तो चलिए हम यहाँ पर हीरोब्रायन एसएमपी सीड लिख देते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ पर हीरोब्रायन एसएमपी सीड लिख सकते हैं, या फिर आपको जो मर्जी वो लिख सकते हैं। वर्ल्ड का नामकरण हो जाने के बाद आप यहाँ पर क्रिएटिव सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सर्वाइवल में यहाँ पर करिएगा तो यहाँ पर आप टेलीपोर्ट नहीं हो पाइएगा, इसलिए हमने क्रिएटिव पे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सीड स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे आपको टाइप कर देना है। और हाँ, आप डायरेक्ट सीड डालकर हीरोब्रायन एसएमपी पर नहीं जा सकते, उसके लिए आपको टेलीपोर्ट होना पड़ेगा। तो वो भी हम आपको आगे बतलाएंगे कि आपको टेलीपोर्ट कैसे करना है। उससे पहले हम आपको सीड डाल कर इसे क्रिएट कर दिखला देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन मैं वेट नहीं करूँगा। मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको ऊपर में मैसेज का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। मैसेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पर, मैंने मार्क किया, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप टेलीपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। टेलीपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लीजिए। टेलीपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट डालना होगा। आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप स्पेस डालकर ही डालें, नहीं तो आप यहाँ पर टेलीपोर्ट नहीं हो पाइएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट टाइप कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेट टाइप कर लेने के बाद आपको नीचे यहाँ पर एरो का ऑप्शन दिख जाए, उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आप टेलीपोर्ट हो जाइएगा यहाँ पर हीरोब्रायन एसएमपी वाले जगह पर। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा व्यू इसका दिखला देता हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर हीरोब्रायन एसएमपी बना हुआ है। यहाँ पर आपको घर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको इसका सीड बतलाया। अगर आपको घर के साथ डाउनलोड करना है, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। मैं उसका लिंक हो सकता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप जाए तो उसी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम पीछे की तरफ आपको एक विलेज दिखला देते हैं, जिसे रॉनी भैया ने लूटा था, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये हीरोब्रायन एसएमपी का ही सीड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर विलेज आ चुका है, इसी विलेज को रॉनी भैया ने लूटा था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये हीरोब्रायन एसएमपी ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग गेम वीडियो मिलती रहे।